लेकिन वो कौन सा चीज है बता दो तो क्या है? बोलो तो क्या चीज है? भक्ति। जोर से बोलो। हम लोग कोई बोल नहीं रहे। भक्ति। भक्ति भगवान की भक्ति और ठाकुर का सेवा है। इसलिए श्री भगवान राम जब अयोध्या में आए माता सीता को लेकर के, एक दिन राम हनुमान जी को पढ़ने इतने प्रसन्न है, इतने प्रसन्न हो गए थे, बोले हनुमान जी अगर तू नहीं होता तो माता सीता की उद्धार होना प्राकृतिक था, तेरे वजह से माता सीता की उद्धार हुई, आज तू जो कुछ मांगोगे मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, तू जी भर करके मांग ले। लेकिन हनुमान जी क्या मांगते हैं? बोले बार 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 मांगो हर भक्ति और हमें किसी चीज नहीं चाहिए। आप देखो हनुमान जी को देखो, दुनिया में घर घर में पूजा हो रही है, घर घर में उनकी नाम हो रही है, हम हनुमान जी को कितने आदर करते हैं, क्यों? भगवान की भक्ति उनको मिला है। इसलिए भगवान की अगर भक्ति मिल गया ना, ये दुनियादारी चीज तो आपको अपने आप मिल जाएगी, मांगने का जरूरत नहीं, ठाकुर सब कुछ जानते हैं। लेकिन भगवान के पास में कुछ चीज मत मांगो, भगवान की भक्ति प्रेम को प्रार्थना करो। भागवत क्या चीज है? ये प्रेम रूपी कल्पवृक्ष पका हुआ फल है, एक में तो पका हुआ फल है, सुख मुखात अमृत द्रव संगितम। फिर ये तोता ने उसको चोंच मारी, एक कहावत है तोता कच्चा फल में चोंच नहीं मारता है, पका फल फल में चोंच मारता है, और तोता जिस फल में चोंच मार दे ना उसमें बहुत ही ज्यादा सा मिठास आ जाता है। एक तो भागवत रस स्वरूप है ही है, लेकिन जब से सुखदेव गोस्वामी की पुकार मिलने से ये कथा निकली उसमें और भी ज्यादा टेस्ट आ गया, और भी ज्यादा रस आ गया। वृतार ने किया, वृतार ने ही जो तोता है ना सुखदेव गोस्वामी, जो कोई साधारण तोता नहीं है, तो ये कौन है? उसको कृष्ण नाम पढ़ाया करती थी, और कभी कभी राधा रानी उनको कृष्ण स्वरूप मान करके कभी उनको चुंबन करती, जब चुंबन करती थी राधा रानी की जो अधरा वृत ये सुखदेव गोस्वामी के उद्धार होने में लगा हुआ। इसलिए कल हम लोग सुनेंगे वहां पर 88,000 ऋषियों को बैठे हुए थे, जिनकी उम्र 50 साल 5 साल 1,000 साल की, लेकिन जब कथा सुने ना सबसे छोटे बच्चे, कई 12 साल तक 16 साल आती है, इतने छोटे बच्चे से कथा सुनने वाले क्यों? कारण है ये प्रिया सुखश्री सभा जाए, ये राधा रानी की व्यक्ति होता है, ये कोई साधारण होता नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो उनके मुंह से कथा निकली, कथा में बहुत ही ज्यादा स्वाद आ गया, इसलिए कहते भैया इसको पी बताओ, इसको पियो। देखो यहाँ पर प्रश्न आता है, आप तो पहले बताया ये फल है, ये वेद रूपी वृक्ष रूपी का ये फल है, आप लोग बता फल को हम खाते हैं ना फल को पीते हैं? बता आप लोग बता फल को हम खाते हैं ना फल को पीते हैं? खाते हैं। लेकिन यहाँ कह रहे पियो, कहिए ऐसे में फल है जिसमें गुठली भी नहीं है, जिसमें छिलका भी नहीं, जिसमें केवल रसी रस है, जिसमें केवल रसी रस है, इसलिए पियो। आप देखो जब कोई चीज हम पीते हैं, आप बता किधर से पीते हो? बोला जब कोई चीज हम पीते हैं किधर से पीते हैं? मुंह से पीते हैं, कोई चीज मुंह से पीते हैं, लेकिन अब इस चीज रस को पान कर रहे हो वो किधर से पान कर रहे हो? कान से, कानों से। तो ये ऐसे के रस है जिसको मुंह से नहीं पी जाती है, जिसको
कान से पी जाती है। देखो मुंह से पीने का और कान से पीने का क्या करके, कोई चीज आप मुंह से पियो आप अंदर में रख ही नहीं सकते और नीचे निकलेगा। कोई भी चीज आप पियो आप अंदर में रख सकते हो वो निकलेगा ही मुंह से पियोगे, लेकिन जो चीज का हम कानों से पीता है ना वो कभी निकल जाएगी। कभी निकलता नहीं, बोले भैया हम तो पीते तो है उसको तो पीते हैं, लेकिन हमारे अंदर में छेदी छेद है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह मद मत्सर से भरा हुआ है। एक तरह से पीते हैं और दूसरे तरह से निकल जाता है। हाँ देखो आपसे मैं एक प्रश्न करता हूँ, मैं देखूंगा कि प्रश्न का उत्तर कौन दे पाना है। ये प्रश्न को सुन लो, जैसे कि घड़ा है, घड़े में छेदी छेद है, अगर कोई चीज निकालोगे क्या होगा वो निकल जाएगा, लेकिन ऐसे कौन सा उपाय नहीं, भले ही वो खड़े में जितने छेद क्यों नहीं हो कोई चीज डालो ना वो कभी नहीं निकलेगा। देखो उसमें छेद ही छेद है, आप बता सकते हो उसमें पूरा ही छेद ही छेद है, लेकिन कोई चीज डालो वो कभी नहीं निकलेगा। देखो तुम लोग सुने इसके ऊपर, देखो इसलिए कहते भले ही उस पर कहते जितने छेद ही छेद क्यों नहीं हो, अगर वो घड़े को पानी को अंदर से डुबो